फ्लेम थोड़ी और स्लो कर लूँ, ये ना हो। मोबाइल मेरा गिर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप में से जो लोग चैनल पे नए हैं, फटाफट से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके काम चेक करें, अभी किधर आके बैठ गई है, मेरी टांग पे बैठ गया कि नखरे कर। जब आओ ना पास, बड़े नखरे दिखाती। इधर देखो ना आप, कोई ना नहीं, इधर इधर देखो, क्या देख रही हो हैं? क्या नजर आ रहा है इधर? टांग पे बैठ के जो है ना जुए निकालने लग गई मलंगनी। मीना के काम चेक करें, सुबह सुबह तरसी हुई बैठी यहाँ जो है ना, देख रही है तोतों की तरफ। हाँ जी, नहीं पकड़े जा रहे, नहीं बस चल रहा उनपे हैं। इधर आओ ना, नहीं बस चल रहा। अभी हाथ भी नहीं लगवाती, ठंडे लगते हैं। बात सुनो ना, इधर आओ पकड़ लो उन्हें हैं, नहीं पकड़े जाते। कितनी देर बैठी हुई है इधर, मुझसे चेक करो इसकी। लो छोटी बिल्ली बेचारी उधर बैठी है, बड़ी बिल्ली हमला कर रही है उन पे। छोटी ने, छोटी भी देख रही है। नहीं पकड़े जाने, नहीं पकड़े जाने, आराम से धूप इधर बैठ के ना। इधर आओ ना जरा, ये देखना, मैं पकड़ के देती हूँ। मुझसे कहा था ना कि तुम अपनी सिस्टर से बड़ी बाजी को बताते हैं, कुछ लेना हो तो बड़ों को बताते हैं। हाँ, खुद नहीं चोले मारते रहते की कहती तेरी भैन है, मामा कि थे वीडियो बना दी है। मैं पूछा मामा कितने मिल गए, ओए गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। जैसा कि आपको पता है, कल का जो है ना हमारे घर, कल का नहीं माशाल्लाह से 9-10 दिन आज हो ही गए हैं, छोटा सा प्यारा सा मुन्ना जो है ना बेबी काकू आया हुआ है, काकू मीन बेबी आया हुआ है। किसका बेबी आया है ये जो है ना कल वाली वीडियो में मैंने बता दिया हुआ है। अगर किसी ने नहीं अभी तक वो वीडियो देखी तो रिसेंटली कल वाली वीडियो जो है ना फटाफट से जाके मेरी देख ली, सारा कुछ मैंने उधर बताया हुआ किसका बेबी है, कब आया है, बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है, तो फटाफट से जाके ना वो वीडियो देख लें। अम्मी जी ने जनाब ऑर्डर दिया है कि थोड़े से कच्चे चावल लो और जो है ना छत पे डाल के आओ, चिड़िया वगैरह जो है ना खा लेंगी, क्योंकि चिड़ियों की जो है काफ़ी आवाज़ आ रही थी। मौसम बाकी देख लें, वो उस साइड पे काफ़ी ज़्यादा है चिड़िया, वो उधर लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं ना, उधर से ही ज़्यादा बैठी हुई हैं। हवा जो है ना फुल ठंडी चल रही है, तो यहाँ आती हैं आके बैठती हैं, वो पानी भी रखा हुआ है तो इधर फेंक देते हैं, है वैसे छत जो है ना फुल गीला है। इधर आएंगी खाने, अभी दिखाती हूँ। अपर जो है ना मैंने हमजा का पहना हुआ है, मुझे अपनी को जर्सी मिली नहीं, हमजा का जो है ना ये अपर बाहर था तो वही मैंने पहन ली है। कुछ इधर फेंक जाती हूँ ना ये, और कुछ जो है ना वो नीचे उस साइड पे फेंक, तो उधर भी जो है ना काफी बैठी हुई है। यहाँ से आके खा लेंगी, मजेदार से ठंडी ठंडी हवा चल रही है हल्की हल्की, बच्चे जो है ना एंजॉय कर रहे हैं बैठ के वहां पे। अजान होने लगी है जोहर की।
टाइम हो गया जनाब पूरे 2 बजे का और अभी जो है ना मैं बोर्ची खाने की तरफ आई हूँ, कुछ बनाने लगी हूँ। जो भी बनाना है ना उसके लिए जनाब पहले हमने यहाँ पे ले लिया देजकी में दूध, हमारे पास है यहाँ पर सिलेंडर, चूल्हा भी है, लेकिन उधर जो है ना हम आग जलाने की जहमत नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा काम करना है तो इसी पे जो है ना कर लेते हैं, मतलब स्लो फ्लेम पे करना है ना इसलिए। तो दूध है, उसके बाद जनाब ये हमारे पास है, इसे हम जो है ना इस कोली में निकाल लेते हैं। ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये है जनाब बादाम है और जो है ना पिसे हुए और साथ में जो है ना नारियल कद्दूकश किया हुआ। और इधर लगा लेते हैं आग, देख के को चढ़ाते हैं चूल्हे पे और दूध को जो है ना पहले हम गर्म होने देते हैं। दूध जनाब यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना गर्म हो गया तो ये हमने ले लिए थोड़े से, दूध में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और जनाब बस अभी जो है ना बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, वो तेज हो रही है, इनको जो है ना हमने यहाँ पे करने देना, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये बनेगी। अभी ये नहीं मुझे पता इस चीज को क्या बोलते हैं, तो बस दूध की और बादाम और ये जो है ना हमने शामिल किए हैं, नारियल कद्दूकश किया हुआ, इसकी जो है ना ये बनती है। आहिस्ता आहिस्ता पकने देते हैं, तकरीबन जो है ना 35 से 40 मिनट में अगर फुल फ्लेम पे बनाएंगे तो वो बन तो जल्दी जाएगा, लेकिन जो है ना वो बादाम और नारियल जो है ना स्पेशली वो कच्चा रहेगा और जो है ना फिर मजा नहीं आएगा खाने का। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कर करके बनेगा ना तो फिर अच्छे से बनेगा और जो है ना मजे का भी बनेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये भी थिक भी होगा, दूध इसलिए ज्यादा ऐड किया थोड़ा थिक भी होगा तो बादाम और वो जो है साथ सही से पक भी जाएंगे। बन किसके लिए रहा है जनाब ये, बाकी नाम मैंने नहीं बताया क्या है ये, तो किसको पता है इसका नाम कमेंट में लिखिएगा। मेरे ख्याल में दोधी बोलते हैं इसे, अम्मी जी यही बता रहे थे, ये जो है ना न्यू बेबी की मामा के लिए बन रहा है, ये सही होता है तो ये जो है डेली उनको बना के देते हैं, दोपहर टाइम ये बनता है, अभी मैंने बताया 2 बजे का टाइम हो गया तो दोपहर टाइम जो है ना ये बना के देना होता है। ऐसे कर करके चीनी तो अभी मैंने ऐड नहीं की, चीनी बिल्कुल थोड़ी सी ही ऐड करते हैं इसमें, कर करके वैसे भी आपको पता है दूध मीठा थोड़ा हो जाता है, साथ में बादाम भी है तो चीनी अगर ना भी ऐड करें तो कोई मसाले का करनी है तो बिल्कुल थोड़ी सी जो है ना वो एंड पे जाके थोड़ा थिक हो जाएगा ना फिर हम ऐड करेंगे। अभी मैं बनाने लगी थी, खतीजा पास आके बैठी है, कहती है थोड़ा वध बना ली, मैं भी खा लांगी वो तो वैसे ही गर्म भी है तो मुझे पसंद है, लेकिन जो है ना मैं डर से नहीं खाती, कल मैंने खाया था, बनाया था ना कल भी, कल खाया था तो बने निकल आते थे इसमें, वैसे सही होता है ये। वैसे भी मतलब अभी तो ये बेबी की मामा के लिए बना रहे हैं ना, खिदमतें उनकी कर रहे हैं, अम्मी जी करवा रहे हैं हमसे, तो वैसे भी जो है ना अम्मी जी ये कहते हैं कि आम रूटीन में भी जो है ना ये बना के खाया करो आप, मैं फिर जो है डरते नहीं खाती, हाँ सही होता है लेकिन मैं डरते नहीं खाती, फिर जो है ना फेस के दाने निकल आते हैं, सही हो गए खराब कराने ने ना कम शम करके सही नहीं ना मिली पेटो ची ची। ये देखिए अभी आहिस्ता आहिस्ता ये करना शुरू हो गया ना, उधर मेरा खादा नहीं बनाया सही तो गया रात वाला खराब होया ही। और हाँ एक चीज तो मैं बताना भी भूल गई, इसमें जो है ना एंड पे जाके थोड़ा सा देसी घी भी जो है शामिल करना है, सिस्टर को देना है तो फिर देसी घी जो है इस्तेमाल लाजमी करना, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, ऐसे भी जो है ना बना के जो है ना ये मतलब बादाम ये नारियल उसके बाद और भी कोई ड्राई फ्रूट जो है ना वो पीस के तो जो है ना इसमें ऐड कर सकते हैं, तो उसके बाद जो है फ्रिज में रख के ठंडा करके खाने का ज्यादा मजा आता है। मैंने जो है ना अपने चैनल पे वीडियोज बनाई हुई है ये बादाम नारियल उसके बाद खोया ये सारी चीजें मिक्स करा करके ना वो कुल्फियां गर्मियों में जो है ना बनाई थी, वो मटका कुल्फी जो भी इस तरह की, मेरे ख्याल में 2-3 दफा बना के अपलोड की हुई है। हाँ जी की हो गया बाहर, अच्छा वो हमसायों का बच्चा आया, मशीन जो है ना उनकी थी वो बीपी ने चेक करते तो वो जो है ना उसे देनी है, वो खतीजा आवाजें दे रही है कि पहले वो दो, पहले जो है मैं फ्लेम थोड़ी और स्लो कर लू, ये ना हो मोबाइल मेरा गिर गया बच गया
पहले ही बेचारा जो है ना बीमार है, बंदी रहता है, तो फिर जो है द्रम जाके जो है नीचे कर, फ्लेम जो है ना मैं थोड़ी स्लो करने आई थी कि ये ना अंदर मुझे मशीन मिले ना तो थोड़ा टाइम लग जाए, कोई नहीं कह रही है। ये बीपी चेक करना था, इनकी थी तो लेके आए थे। सिर ते की कर ले कितू तो फिर ध्यान खरी सुट्टी ना बाद पाए हाडा ना लेने लग दी फिर डिगने ते। अच्छा ध्यान करके दे, धूप थोड़ी निकली हुई है लाला करके, नहीं तो आपको पता है मौसम जो है ना आजकल बारिश वाला ही है, तो थोड़ी अभी निकली है धूप। तो जो मैं उधर जो है ना चावल डाल के आई थी ना चिड़ियों के लिए, उधर उन्होंने सारे खा लिए, जाके चेक करवाती हूँ। तो है काफी ज्यादा ना उधर, वो दीवार के ऊपर देखे बैठी हुई है, साथ लगी हुई है, वो लकड़ियों पे भी पास जाती हूँ उड़ जाती है। तो अभी ये थोड़े से पड़े हुए थे, मैंने कहा ये भी इधर ही डाल देती हूँ, इधर ज्यादा है तो तकरीबन सारे जो है उन्होंने खत्म कर दिए हैं। जाऊंगी उड़ जाएंगी फिर डाल दूंगी, फिर बाद में आके बैठ के खा लेंगी। ये देखे कितनी गई है उड़ के, यहाँ करके मैं फेंके गई थी यहाँ करके ना, ये देख लें एक भी दाना नहीं है इधर, तो इधर ही डालती हूँ खा लेंगी। छत वाले नहीं मैंने चेक किए कि खाए हैं कि नहीं, क्योंकि मैं दोबारा गई नहीं, तो उस प्लेट भी साथ ही ले आई हूँ, तो चेक कर लेती हूँ छत पे खाए खा दी है, साफ सफाई कर दी है वहां से उन्होंने, चेक करें। वो जो इधर पानी भरा हुआ है ना उधर पास ही मैं जो है रख के गई थी, तो एक भी दाना वहां पे नजर नहीं आ रहा सफेद, सही हो गया खा। ये था ये ना हो छत पे आई ना खाने। और जनाब ये दूध जो हम तैयार कर रहे थे ये हो गया, ये देखे ठीक हो गया अच्छे से जो है ना, वो बादाम और नारियल जो है ना वो गल गया, पक गया यानी कि अच्छे से, इसी तरह का हमें चाहिए था। अभी थोड़ा ठंडा होगा ना बिल्कुल थोड़ा सा और जो है ना ये ठीक होगा, तो ये निकाल के तो सिस्टर को देंगे। खतीजा कह रही थी थोड़ा सा मैंने लेना है, तो थोड़ा सा खतीजा को भी हम टेस्ट करवा देंगे आज, टेस्ट नहीं क्योंकि छुट्टी वाले दिन फिर हमने खतीजा से काम भी करवाना है ना। ये आप ले लो बिल्ली थोड़ा सा, ये भी ठंडा होने दो, जिनके लिए बनाया उनका अभी उधर ही भरा हुआ है। बिल्ली जो है ना पतीलियां चाट रही है, बिल्ली पता है पतीलियां चट्टो तो की हुंदा है, जरा बंदा पतीलियां चाटदा है ना साफ करदा है खान वाली चीज विचो, ओदी शादी वाले दिन बारिश हुंदी है, फुल तेज तूफान हुंदा है शादी वाले दिन चटिए जी नहीं उंज भी आज जरा चाटदा रेंदे ना वो फिर बन जाता है बरात वाले दिन बारिश, मैं चाट तो थोड़ी नहीं हूं मैं जी, ऐसी मतलब दहेज कि बेच ही खान वालों कहा गया है, दो तीन रखी मेले भी चम्मच, एक दो तेरा तेरा है नहीं कहना बंद, तेन तेन चाहिए दो चम्मच लिया के मेरे सामने रख देना, तू दो ने तीन दो करा लाई। अभी करने लगे जनाब रात के खाने की तैयारी, बोर्जी खाने में ही आग जला ली है, मौसम अभी थोड़ा बाहर सही है, ठंड ठंडी है लेकिन बारिश तो नहीं है, लेकिन एहतियातन जो है ना अंदर ही आग जला ली है। तो ये हंडिया का जो है ना सामान मैंने रेडी शेडी करके रखा है, लहसुन प्याज सब्ज धनिया और जो है ना थोड़ी सी पालक है, टमाटर और सब्ज मिर्चे, हंडिया रखी है जनाब अभी ऊपर। पहले जो है मैंने यहाँ पे चावल बना लिए है, चावल जो बनाया ना चेक करें कितने जो है ज्यादा ये गल गए हुए हैं, मतलब अलग अलग नहीं है, ये जो चावल है ना हम ये पकाते पकाते ये ना स्याही लग गई यहाँ पे, तो ये जो ना हम पकाते नहीं है, ये चावल है सुपरी बोलते हैं इस बीज को ना, ये जो चावलों का बीज है सुपरी के चावल बोलते हैं, तो ये हमने कभी बनाए नहीं है, क्योंकि ये जो हमने लगाए थे ना मुझे सुपरी की ये हमने सेल कर दी थी, थोड़ी सी रखी थी तो उसके चावल जो है निकलवाए थे, तो वो मम्मी जी कह रहे थे ट्राई करो ना बड़ा सही बनते हैं, तो हमसे नहीं जनाब ये वाले चावल सही बनते, गले जाते हैं या फिर गले ना तो थोड़े कच्चे रह जाते, समझ नहीं आता है कैसे मतलब क्या सिस्टम है, हम जो है शुरू से वो सुपर के चावल खाते हैं। और ये जनाब इधर पानी है चावलों का मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, तो इसकी जो है ना जनाब हम बनाएंगे हंडिया। तड़का जनाब यहाँ पे हमने भून लिया, तो ये पालक और धनिया जो दिखाया था इसे भी हमने जो है ना तड़के में ही भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए।
ये है जनाब वो पानी जो मैं दिखा रही थी आपको, चावलों से उतारा था, पिच बोलते हैं इसे, तो बना के उतार के कुछ लोगों ने खा भी लिया, मुझे याद भूल गया था फाइनल लुक दिखाने का भी याद आया। साथ चावल है ना, फाइनल लुक चावल मैं दिखा दिए पहले, रीजन भी बता दिए क्यों इस तरह के बने, रीजन भी बता दिया के ये हम खाते नहीं है, पहले ना बनाते हैं क्योंकि रखते ही नहीं है ये वाले घर, क्योंकि ये सही बनते नहीं है हमसे, तो वो इसमें दूध डाल के ना खीर बना लेंगे, हाँ जो बच जाएंगे, हाँ, फायदा हो जाएगा आराम से। तो ये पीछे चावल की जो है ना रेसिपी, अगर किसी को डिटेल में चाहिए तो वो मैं जो है किसी दिन फिर डिटेल से बना दूंगी। बड़ा मजा आता है जो है जब जब नवे नवे चावल आते हैं, कहने लगी थी हाँ सही है, बोलो तो समझ आ जाना ना नहीं जब जब नए नए चावल आते हैं तब जो है ये रेसिपी बनती है, उसके बाद नहीं ये बनती नहीं नहीं चावल, दूसरे चावल होंगे ना फिर मजा आना, हाँ वो दूसरे, हाँ जब वो आएंगे ना फिर आपको बना के सही डिटेल से दिखाऊं दिखा, जब वो चावल आएंगे ना डिटेल से फिर अपना मेरे मुंह से बोलती जाओ ना, बुट्टे सीधे लफज समझ आ जाएगी, बुट्टे सीधे लफज निकल रहे हैं, वो सुपर के जो चावल हम वो मुंजी सुखा रहे ना वो जब आएंगे ना फिर जो है ना बना के आपको दिखाऊंगी। बाकी बिल्ली की जंगल लगी हुई है पतीले के साथ, देजके के साथ थोड़ा वैसे मजा बड़ा आता है सही पकी होना, बड़ा मजा वैसे ऐसे भी आता है थोड़े बेशक गलगी हुए लेकिन जो है ना नहीं अच्छा नहीं लगता, टेस्ट भी नहीं सही होता, हाँ इन चावलों का टेस्ट नहीं सही होता, हमने शुरू से नहीं ना ये खाए इसलिए।